अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? सब लोग ठीक ठाक है? रोशनी आप लोगों को थोड़ी सी शायद कम नजर आ रही है। वैसे मैंने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया हुआ, घर वालों से बस बात हो गई है, वो कहते हैं एक दो दिन के अंदर जो है ना आपको इंशाल्लाह लाइट्स चेंज करवा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। वालेकुम सलाम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूं, आप बताइए ठीक हो? अक्सा भाई यहां पे कपड़े जो है वो ड्राई करने के लिए डाल रही, मशीन वगैरह हमारी चल रही थी। अब सुबह आपने पता है क्या करना है, आजकल हम लोगों ने अपना टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कर लिया। हम लोग सुबह सुबह उठने लग पड़े हैं जब फुल तेज किस्म की धूप निकली होती है। एक दिन से अभी यही सीन चला है हमारा, इसी तरह ही है ना। आपने सुबह मुझे कपड़े देने हैं, स्टैंड पे इसी तरह मैं जाके छत के ऊपर डालूंगा, बल्कि छत पे रस्सी भी लगी हुई है, नीचे वालों ने रस्सी लगाई हुई है ना ऊपर छत पे, उस पर जाके सारे कपड़े डाल दें, कपड़े हमारे खुश हो जाएंगे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकलने लग पड़ी, पहले तो चले गए थे ना कि धूप ही नहीं थी निकल रही। टेरेस पे भी हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन छत पे डाल के आएंगे सारे कपड़ों का हवा भी लग जाएगी और धूप भी लग जाएगी। और यहाँ पे अक्सा ने मेरे कपड़े भी निकाल के रखे हैं, बच्चों की भी रखी है, आयशा की जैकेट्स एक दो और ये तीन, आयशा की हाँ जैकेट्स होगी तीन, और ये वाली मेरी पड़ी हुई है, ये अब डायरेक्ट जाएंगी इस रूम में। लेकिन अक्सा का मुझे पता है अब इस रूम में अक्सा नहीं जाएगी, क्योंकि अब्दुल्ला को हमने सुलाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को सीक्रेट बात पता है कि वो भाई साहब के बाद चले जाए तो वो भाई साहब रोना शुरू कर देते हैं, और खुद ही बाहर अकेले काम करने लगे। मुझे बताया भी कोई नहीं है कि आ जाए, मैं कर रही हूँ अभी तो धोने वाला सीन ही चल रहा है इसका। हाँ, मतलब लेकिन एक बात कहूँ, अभी अब्दुल्ला सोया मैंने उसके रूम में ना जाना, जब तक वो सो रहा है ना सुकून से उसको सो लेने दे, ठीक है ना। नहीं तो उससे फिर उठ कर रोले डालने शुरू कर देने हैं। हम लोग गलीपुर में होते हैं ना, वहाँ पे तो ये सीन होता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं उठाने वाले, कभी उसामा आ गया, कभी आंटी आ गई, ब्रीरा आ गई, निमरा आ गई, उसके बाद अक्सा आ गई, वहाँ पे लोग इतने ज्यादा उठाने वाले, ये रात को अंकल आ जाते हैं। तो वो भाई साहब का ना दिल करता है कि बस ऐसी हो कि कभी मैंने कोई चुक लिया, कभी मैंने कोई चुक लिया, मैं डिफरेंट डिफरेंट सीन वेंदा ही रहा घर के बीच। हाँ तो बस इस तरह ही होता है, जब जितनी भी अम्मियां होती है जब उनके बच्चे छोटे होते हैं तो यही सीन चल रहा होता है, साथ साथ बच्चों को सामना होता है, साथ साथ काम करना होता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अक्सा की हेल्प करवा दूं, जिस तरह की अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे करने नहीं दे रही, साथ कह रही है मैं खुद ही कर लूंगी कपड़े छपड़े निकाल, उसके सोने का फायदा उठा देती। और ये हमारे बेटा साहब यहाँ पे मुंह बना के बैठे हुए हैं कि मुझे अंदर अकेले बंद किया हुआ है, बाहर पता सर्दी हो रही है इसलिए आपको यहाँ बंद किया हुआ है रूम में। अब्दुल्ला को तो मामा ने ब्लैंकेट में लिटाया हुआ है ना, बंद नहीं किया, मैं आ गया हूँ आपके पास। मैं कहता हूँ ये हीटर चल रहा है, बंदे को क्या निकलने की जरूरत है, नहीं जी ये बने ना मारो, कोई पिंपल नहीं निकलते पता है मुझे। इतने शापर तो जलाल सन वालों के पास नहीं होने जितने आपने उनके इकट्ठे किए हुए हैं, ये दो ही नहीं वैसे ही कह रहा हूँ, वैसे मैं ले गई थी जो इतने कपड़े ले गई, सारी शादी वाले कपड़े इकट्ठे किए। हाँ हमने ना बस इंशाल्लाह किसी दिन मार्केट में चक्कर लगाना, अब जब भी हमारा नेक्स्ट टूर लगेगा ना इंशाल्लाह, उससे पहले ना मैंने जाके दो बैग्स नए लेने हैं 0 मीटर किस्म के, जिस तरह की आंटी ने नहीं लिए गुलास के लिए, हाँ वो प्लास्टिक वाले जो होते हैं ना उसी टाइप के जाके ना दो बैग्स लेने अपने, उसके बाद काम ठीक हो जाएगा, फिर तो नहीं शॉपर होंगे ना हमारे। फिर एक फायदा और भी होगा कि चलो जो हमारे मतलब इस तरह के आम दूसरे छोटे मोटे कपड़े हो गए वो आप एक दूसरे बैग में भी रख सकते हैं, जो हमारे पहले वाले बैग है, दो हमारे नए बैग हो जाएंगे, एक हमारा पुराना बैग साल चल जाएगा। अगर नहीं इंशाल्लाह जब भी जाना है ना उससे पहले मैंने ना दो अपने बैग लेके जाने हैं जरूर जरूर। क्या पूछना क्या चाह रही है? हम अलीपुर नहीं जा रहे, जो अलीपुर कपड़े लेके गई थी ना मामा शादी के सारे जो भी कपड़े छपड़े थे वो दोबारा मामा सेफ अलमारी में रखने लगी है वापिस, वो वाला दौर गया अब। हाँ उनको दुआ ना करनी भाई, इसकी तो दुआ भी जल्दी, ऐसे हमें लगता है इसकी वजह से हमारे बार बार चक्कर लगते हैं, हमारा कोई प्लान नहीं होता जाने का, ये भाई साहब पता नहीं दुआ में अब मुंह देखे कैसे बना रही है। अक्सा ने इस भाई साहब को पकड़ के बैठी है क्योंकि भाई साहब ने बुखार चढ़ाया, आगे ये पैनाडोल के सिरप भी पड़े हुए हैं। रोटी मैंने कहा चलो बाहर से लेके आनी गर्म, अगर अक्सा उतनी 5 रोटियां चुकी हैं, कोई पहले तो उतनी चौक लें, ये देखें क्या है, ये पहले तो ये रोटियां देखें ना, ये फूड पांडा से आई, ये इससे आखिरी वाली उठाएं, इससे नीचे आवे 35 रुपए की रोटी और ये रोटी मिली है, जरा साफ लगाए पैसे भी दे दिए, कच्ची रोटियां सही बात है, कौन किसने ये, मैंने ये होम शेफ वाला ऑर्डर है कि किसने घर से लगा के भेजी है, और रोटी चेक करें ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सी यार, सारी साइडों से कच्ची पड़ी कच्ची पड़ी, छोटी छोटी रोटियां लगा के भेज दी, नहीं आती तो बंदा रोटी रखे ही ना, इस तरह की जरूर भेजनी, अगली बार मैं मंगवाऊंगा ही नहीं इनसे। अल्लाह का जो बुखार वाला मसला बना हुआ ये सिर्फ इसलिए बना हुआ क्योंकि उसके दांत निकल रहे हैं, दांत फिर निकल रहे हैं बच्चे के तो आपको पता है वो फिर तंग करता है, ऐसा जब निकल रहे थे इतना नहीं थी करती, हर बच्चे का अपना हिसाब होता है, लेकिन ये वाला थोड़ा जोन सा अब्दुल्ला ने ज्यादा तंग करता है। बरन रोटी देख के मुझे हंसी आ रही है, अच्छा ये देखो आपके लिए रोटी आई है, इतनी सी इतनी छोटी रोटी है यार, अभी खाना तो बना ले फिर आपको दे दो, मामा को आने दो। अक्सा ने साथ आयशा को भी दूध बना के दे दिया, आयशा मेरे पास यहाँ पे लेटी है सेटी पे, कहती है मैंने अंदर नहीं जाना, मैंने कहा चलो ठीक है, और अब्दुल्ला को अक्सा जोन से ना अभी सेट शूट कर रही है, उसका फीडर वगैरह रेडी करके ना उसको लिटा के आने लगी। बाकी यहाँ पे चिकन कढ़ाई है मैंने बनाने के लिए रख दी, आज हम लोग घर पे बना रहे हैं चिकन कढ़ाई,
अब रेसिपी आप लोगों ने साथ साथ सीखते जाने हैं। वैसे पहले तो मेरे ख्याल से मैंने रेसिपी बता दी, बस चिकन को फ्राई करना है, उसके बाद में टमाटर डाल देने हैं, मिर्च मसाला डालना है, एंड पे आप लोगों ने अदरक है तो वो भी साथ डालने, साथ ग्रीन चिली डाल दें, हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार हो जाती है। बस ये वाला जो फ्राई है ना, ये वाला थोड़ा सा अच्छा करना है। मैंने तो अपने हिसाब से अंदर चार टमाटर डाले थे, लेकिन अक्सा कहती है कि एक टमाटर की और जरूरत पड़ेगी क्योंकि ग्रेवी नहीं बनेगी। बाकी चिकन जो है ना हाफ के जी से ज्यादा ही है, तकरीबन तीन पाव से थोड़ा सा ना कम है, लेकिन हमारे लिए काफी है। हम दोनों को दिए भी माशाल्लाह नहीं यार, कढ़ाई में ज्यादा नहीं, हम दोनों को हमारे साथ रोटी की आज चिटिंग हो गई है थोड़ी, बाकी तो हमारा सारा ठीक है। हाँ, और आटा पड़ा हुआ है घर में खिलाने वाला है, आटा पड़ा हुआ है। चलिए अब्दुल्ला जिस टाइम फिर आपको टाइम देता है ना, आटा वगैरह गूंथ लेना, फ्री हो गए कल गूंथ लेना, ठीक है फिर रोटी घर ना करेंगे, बाहर की रोटी कोई नहीं बचेगी मिलती, और वैसे ही मुझे आपके हाथ की रोटी सही लगती है, घर ही बनाएंगे, घर वाली ठीक होती है। अब ये देखिए मैं कच्ची चपाती अगर खा ली पेट में दर्द होने लगता है, हां वो बाप को सेकनी पड़नी है। छोड़ दो ऐसा, क्या है, क्या चाहिए, क्यों जी आपकी बेली को अब क्या हो गया, बैठे बैठे हाँ दूध भी पी लिया, पेन हो रही है। मुझे ये बताएं आपने रेड चिली क्यों मंगवाई है, रेड चिली क्यों मंगवाई है, ये देखें पूरा डिब्बा भरा पड़ा रेड, ये देखें मैं अभी आते हुए एक पाव साथ और भी रेड चिली लेके आ गई, तो चाहिए नहीं थी, चलो कोई नहीं नेक्स्ट टाइम यूज हो जाएगी। ना ना मैं भाई साथ ही दुकान से लेके आया हूँ, हो सकता है कि तेज भी हो, बारे लिए भी संभाल के रख लेंगे, नेक्स्ट टाइम चलो फिर यूज हो जाएगी। ये डाल लेना अभी सारी इसके अंदर, सालन में सारी डाल दें, सारी डाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कढ़ाई का तो बड़ा सही बात है, मुझे वेट होता है कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाए ये कढ़ाई और मैं खानी शुरू कर दूँ। नहीं पैंदा, भाई साहब को पहले ये देखा नींद आई है कि नहीं आई, कोई नहीं आई, चलो फिर ट्राई करके देख ले, क्या पता सो ही जाए। हाँ। बोलते रहते हैं ये सोता नहीं है, जब खामोशी होती है रूम में ये सोया रहता है, चाहे दो घंटे सोया रहे खामोशी में सोता है, जिस तरह हम थोड़ा सा बाहर समझ रिमोट भी चौके तो बटन दबाया ना, बटन की आवाज से उठ जाता है। अभी ये खाना बना रहे तो मैंने कहा हाँ अक्सर यहाँ पे टाया, दूसरा हमारा खाना जो है बिल्कुल रेडी हो गया, बस अक्सर ने आगे रोटी से इतनी देखे, चिकन कढ़ाई माशाल्लाह कितनी जबरदस्त रेडी हो गई है और खुशबू भी बड़ी मजे की आ रही है। रोटी अभी हम लोग दोबारा सेक के लेके आए हैं, शायद कुछ फायदा हो ही जाएगा रोटी सेकने का। नहीं, अब वो जो कच्ची थी ना, अब वो पक गई है। और साथ साथ हमारी चिकन कढ़ाई भी आ गई है, बड़ी रेड नजर आ रही है, अभी फ्लैश नहीं ऑन किया। अक्सर अभी आई है बाहर चाय बनाने के लिए, लेकिन बेगम एक चीज बहुत मिसिंग लग रही है मुझे, बिस्किट खाने का दिल कर रहा है, जहाँ तो ले आऊँ, बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा अभी। पहले अक्सर साथ साथ बर्तन वॉश करेगी क्योंकि अब्दुल्ला को हमने अंदर बेबी शार्क लगा के दिया मोबाइल के ऊपर, एलईडी पे वो कोई नहीं देखता, मोबाइल पे बिल्कुल उसके पास रख के अभी उसको दिया है, इसलिए चुप करके लेटा हुआ। मैं साथ साथ चाय ऊपर रख लूँ, मैं चाय रख देता हूँ, थोड़ी सी अक्सर की भी हेल्प हो जाएगी। कितनी, तीन कप, किस तरह तीन ग्लास डाल दूँ फिर अंदर, अरे कितनी दूर तक आग आ गई, मैंने जैसे पहली बार चलाया इसको। चलो जल्दी जल्दी अपना साइकिल चला के दिखाओ, स्पीड में जल्दी, स्पीड और स्पीड, ये बहुत कम है, और स्पीड करो, और स्पीड, और स्पीड, बस इतनी है बिस्किट ही ला दे कहीं से, यार दूर जाना पड़ना, एंड पे मिलने क्या बिस्किट, एंड पे मिलना क्या सिर्फ बिस्किट, हाँ तो बिस्किट लेके आएंगे, खा के क्या करना है, रहने दे, नहीं पकते हैं। अभी भागो, ओ बस ज्यादा शौके नहीं होना, ऐसे कर करना, ये देखो ऐसा, ये देखो ये क्या हो रहा है, हाँ और हो गया, आयशा की चाय, आशक नहीं, जिसने ब्रेड खाना है उसका जैम पड़ा हुआ है, जैम लगा के खाना है या चाय के साथ खाना है, जैम देखिए जैम थोड़ा सी पड़ा हुआ है, एक ब्रेड पे लग गई जाए, सुबह मुझे याद कराना, मैं आपको जैम भी ले आऊंगा, ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एक्सा को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें दीजिए फिर इजाजत, अल्लाह हाफिज आयशा, अल्लाह हाफिज, इधर देख के बोलो ना, इधर देख के बोलो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अक्सा अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।